जिस बेसिस पे ये सरकार में आए थे उस तरीके का काम तो इनका दिखाई नहीं दे रहा। काफी देर कहाँ काम किया गया, देखता होता है। हेमंत सोरेन जब से सरकार में बने हैं तब से हम लोग के जनता के पक्ष में अभी कहाँ आगे आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड सरकार के 2.5 साल पार कर रहे हैं, इसी बीच बहुत से विवाद और सरकार गिरने तक की भी बात सामने आ गई है। वहीं आज जीएन भारत की टीम रांची के सड़कों में इस कड़कती धूप में इसलिए पहुंची है जहां पर आज हम जनता से रिव्यू लेंगे झारखंड सरकार के कार्यकाल का। जनता क्या सोचती है हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में, 2.5 साल में उनका क्या क्या काम नजर आया, इसी सवाल के साथ आज हम कुछ जनता के पास चलते हैं और हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में रिव्यू लेते हैं। 2.5 साल में ये जो सरकार आई है हेमंत सोरेन, तो उन्होंने कैसा अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है? देखिए, इस बारे में हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि जिस बेसिस पे ये सरकार में आए थे उस तरीके का काम तो इनका दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि डेवलपमेंट और किसी भी लोगों को जो बेसिक ज़रूरत है उसके ऊपर जो सरकार का कहनाम था उस पर कोई काम नहीं हो रहा। जिस चीज़ के लिए ये बोले गरीबों की सरकार रहेगी, सब गरीबों के लिए ये काम करेंगे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ के ऊपर टैक्स लगा रही है तो आप उस टैक्स को अपने स्तर से, अगर आप गरीबों की सरकार अपने आप को मानते हैं तो चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे LPG हो, चाहे किसी भी तरीके का गैस हो, आप अपने महंगाई को आप अपने स्तर से अगर सरकार कम, सेंट्रल गवर्नमेंट कम नहीं कर रही तो आप अपने यहाँ का टैक्स से कम कर सकते हैं और उससे थोड़ा बहुत ही राहत होगा, लेकिन लोगों को राहत हो सकती है उससे। मेरा नाम हुआ अविनाश सिन्हा जी, बिजनेस है हमारा। नहीं, कोई काम उस तरीके का जो आम आदमी को जिससे राहत हो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये इससे पहले की सरकारें जिस तरीके से करती थी सेम प्रोसेस पे ये चल रहे हैं। एक ईमानदार सरकार आनी चाहिए, पर्टिकुलर हम व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन एक ईमानदार सरकार जो कि आम आदमी के लिए ये सोचे कि हाँ भाई एक्चुअल में इसको भूख लगी है, इसको खाना मिलना चाहिए। कैसा चल रहा है आपका धंधा पानी? धंधा पानी ठीक है, चल रहा है। और हेमंत सोरेन की जब से सरकार आई है तब से कैसा चल रहा है? देखे अभी ठीक चल रहा है। उन्होंने कैसा काम किया है अभी तक? हैं? कैसा काम किए है वो अभी तक? काम किया है, देखता होता है। सरकार अच्छा काम कर रही है या खराब काम कर रही है? ठीक भी कर रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या तो इन्हें डर है कि सरकार से डर है कि सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, और या तो ये बोलना चाह रहे हैं पर कैमरा है तो कैमरा के सामने बोल नहीं पा रहे हैं। कैसा बिजनेस चल रहा है? बिजनेस तो थोड़ा कम चल रहा है, अभी गर्मी ज़्यादा हो गया, गैस नहीं मिल रहा है इसी से। तो फिर हेमंत सोरेन की सरकार कैसी है आपके नज़र में? हेमंत सोरेन की सरकार तो कहाँ कुछ व्यवस्था कर पा रहा है, पानी उतना गर्भ नहीं कर रहा है, नली की व्यवस्था ये नहीं है, चार बार दिक्कत चल रहा है। आपका कैसे चल रहा है जब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो कैसे चल रहा है? बने किसी तरह से परेशानी जनता में प्रजूझ रहा है। हेमंत सोरेन जब से सरकार में बने हैं तब से हम लोग के जनता के पक्ष में अभी कहाँ आगे आ रहे हैं से बताएं। झारखंड में सब चीज़ व्यवस्था है, कोयला है, सब सामान रहते हुए इतना महंगाई बढ़ गया, तेल का दाम इतना बढ़ गया, सब चीज़ का कहाँ कुछ कम हो रहा है। सरकार बनने से पहले तो उन्होंने वादा किया था ना कि वो आम जनता का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अरे वादा तो किया, बाकी जनता को कहाँ निभा रहे हैं। ठीक है, जनता को निभाते तब न। धंधा पानी वह है कि हम लोग गाड़ी रखे हैं तो उसमें गैस नहीं भर रहा है, टाइम से नहीं मिल रहा है, 4 बजे भोर से लगाते हैं तो वही मैंने 12 बजे जाता है, कभी 10 बज जाता है। एक दिन में कितना कमा लेते हैं? गाड़ी चलेगा तब ना, किस्ती भरना रहता ना है, हम लोग को तो दिक्कत खुद हो रहा है। तो जब किस्ती भर रहे हैं तो घर कैसे चला? घर वही मैंने किसी तरह से चला रहा है, बच्चा लोग को पढ़ाई करवाना है, सब चीज़ करना है। यहाँ पर इतना महंगाई बढ़ रहा है,
कुछ चाहेंगे तो गरीब के लिए बहुत चीज कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि अभी हम लोगों ने जितने लोगों से बात किया, सभी ने एक ही चीज़ कहा, किसी ने हेमंत सोरेन की तारीफ नहीं की। और क्या ऐसा सच्चाई है कि हेमंत सोरेन ने सच में कुछ काम नहीं किया, ऐसा लोग कह रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।